नमस्कार एवरीवन। सबसे पहले लेना है हमें बटर और घी इक्वल अमाउंट में, और उसके बाद उसी में सारे ये खड़े मसाले, फिर प्याज और उसमें बारीक कटी हुई बीन्स को ऐड करना है। तो बीन्स की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्याज भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर एक दो बार ऐसे चलाने के बाद थोड़ा सा नमक डाल के, बहुत भूनना नहीं है, बस नमक डाल के, और उसके बाद उसे हमें ढकना है और सिमर फ्लेम पे थोड़ी देर करना है, तो इतना कि वो जो हमारे बीन्स हैं थोड़ी गल जाएं और उसी में प्याज भी गल जाए। उसके बाद जब थोड़ा सा कुक हो जाएगा, फिर हमें डालना है राइस, जो ऑलरेडी मैंने एक घंटे पहले भिगो के रखा था, उसका पानी निकालना है। और राइस आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने चॉइस का, अगर कोई फ्लेवर वाला अच्छा राइस है तो वो ज़रूर इसमें बनाइए, अच्छा लगता है। और उसके बाद उसको बहुत डेलिकेटली अलटते पलटते हुए चलाना है, और उसके बाद हल्दी, मिर्चा और किचन के या अपने चॉइस का कोई मसाले आप डाल सकते हैं यहाँ पे, और सिमर फ्लेम पे इसको भूनना है। लेकिन जब पानी डालेंगे तो फ्लेम को फिर से तेज करिए, और उसके बाद उससे पानी डाल के सिमर फ्लेम पे कुक करिए। और जब कुक हो जाए तब इसमें बीट रूट, जो चुकंदर है उसको ग्रेट करके या पतली पतली फाइन स्लाइस करके डालिए, कसूरी मेथी डालिए, और फिर गैस ऑफ करने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए, तो जो हल्का हल्का उसका कलर भी आ जाएगा उसमें, और कसूरी मेथी का फ्लेवर, और ये बहुत बढ़िया आप तहरी बोल सकते हैं, पुलाव बोल सकते हैं, वेजिटेबल पुलाव बोल सकते हैं, लेकिन ये केवल मैंने बीन्स से बनाया, लेकिन बहुत बढ़िया बनता है और क्विक रेसिपी भी है। तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।